अब भारती चम्मच लेके आ गई, चम्मच लेके आ गई और इसलिए थोड़ा सा गिरा दिया और गुस्सा कर रही मेरे पे। खाना है, खाना तो ग्रोसरी है जाना। तो आज हम ग्रोसरी जा रहे हैं क्योंकि चावल खत्म हो गए हैं बीच में। आज बड़े जल्दी, इस बार जल्दी खत्म हो गए, महीना खत्म होने से पहले हमने रोटी पे जोर नहीं दिया, मतलब इस बार आटा बहुत बचा है, चावल चावल हमें जल्दी बन जाते हैं ना। तो इसीलिए चावल की कमी आने के कारण हमें जाना पड़ा ग्रोसरी, हमारी ग्रोसरी नहीं तो बैग बाहर रखना ही पड़ेगा। फिर भी पहले कहीं और थी वाली ग्रोसरी, अब नई खुल गई है, बड़ी बन गई है, बड़ी पहले छोटी वाली थी अब बड़ी बन गई है। तो हम उठाते हैं दो चार सामान और निकलते हैं। चावल लेने के लिए गए थे ग्रोसरी में, लेकिन 1500 रुपये खर्च करके आ गए हैं चावल चावल के चक्कर में। इसीलिए नहीं आते हम मार्केट। देखो मैं क्या लेके आई हूँ, ये नई मैगी है, इसको हम ट्राई करेंगे। तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ये बाय वन गेट वन चल रही थी ये वाली, और ये फ्री में मिल रही है साथ में। तो पता नहीं हम लेने में बड़े कंफ्यूज थे, बट फिर भी मैं एक छोटा पैकेट ये भी ले आई, क्या पता टेस्टलेस हुआ तो इस वजह से। हम बनाएंगे मूंगफली की सब्जी है। अच्छा खाई आपने पहले कभी? तो अब मैं मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी, सुबह से खाना नहीं खाया, समोसे खाए हैं, मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी और उसके ना रेसिपी अगर शेयर कर पाई तो वो भी कर दूंगी। ठीक है, पर पूरी बताना पिछली बार की तरह मिर्ची। तो मूंगफली की सब्जी मैं बनाने लगी हूँ। तो पहले मूंगफलियाँ छील ली थी ना, अब ये मैंने इनके जो क्या बोलते हैं इनको सिक्कड़ छिल के जो है ना उतारने के लिए, तो थोड़ा इसको इस पे सोटे करना पड़ेगा ताकि छिलके निकल जाए, वरना मुंह में आएंगे गले में फंस जाएंगे। थोड़ी देर करने हैं ताकि इसके छिलके निकलने लायक। बस तो ये देखो इसमें से चटाके की आवाज़ें आने लग गई हैं, और ये देखो इतनी इतनी हो गई। अब इसका छिलका उतर जाएगा। तो अब इस स्टेज पे ये बंद कर दी मैंने गैस। तो फिर भारती अब क्या कर रही है? अब ये हो गया, अब इसको ठंडे होने देना, तभी सिक्कर उतरेंगे इसके। अरे यार ठंड तो है, गरम गरम पकड़ ले हाथ में इसको। नहीं हाथ में हो जाएगा, तब इसको मैं निकाल दूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। अभी हम इसका ठंडे होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ना रुका नहीं जा रहा, तो एक दो मारनी पड़ेगी मुंह में। तो हमने देखो ये सारे छिलके उतार लिए, अब थोड़ी फूक फाका करके जो है ना इसको डालना पड़ेगा। ये तो एक एक दाना छांट रहे हैं। हमने ये छिलके छिल दिए सारे मूंगफलियों के, ये देखो एक आधा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो है ना इनको भी निकाल रहे हैं, बुरा लग रहा है इनको ना इसलिए। और ये देखो ये कचरा निकला है, छिल लिया, छिलने का एक दो दाने और खा लिए। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। वो ग्राइंड होगा ये अब। तो फिर आप भारती मिक्सी चला रही है? अरे चली नहीं। अरे वीडियो के चक्कर में, चल कोई बात नहीं, चल पड़ी मिक्सी धड़ाधड़। ये क्या हुआ? चल चल इसको। ये ओ ले, पाउडर ही बना दिया मैंने तो इसने बना दिया पाउडर, देखना नहीं ठीक है सही है चम्मच से देखती हूँ। तो इतना देखो, ये देखो बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है कि पाउडर बन जाए, वैसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसे दर दरा, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? थोड़ा थोड़ा मतलब। अब मूंगफली तो पीस ली है, अब पीसेंगे हम टमाटर प्याज अदरक और हरी मिर्च। तो चलो ग्राइंड कर लेती हूँ अभी से। इसका ये जो स्पॉट देने वाली चीज है ना, ये देखो ये दिखाती हूँ, ये दोनों चीजें टूट गई हैं, अब इसको हाथ से पकड़ना पड़ेगा है ना, देख लो। तो मैंने ये मैं बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है, ये दर दरा जैसे ही पीसा है, पर अगर आप चाहो तो बिल्कुल अच्छे ढंग से भी पीस सकते हो, पर मैं ऐसे ही करूंगी। सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। अब मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया सरसों का, तो तेल पक गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और जो टमाटर प्याज और अदरक हरी मिर्च का तड़का डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, जितना आप खाना चाहो। उसके बाद लाल मिर्च, तो हम तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए डालनी पड़ेगी। फिर डाल रही हूँ मैं हल्दी, उसके बाद है ये गरम मसाला, और ये है यार पता नहीं क्या है ये, धनिया पाउडर। हाँ अब इसको मिक्स और पकने देंगे इसको 5-7 मिनट के लिए। तो तुड़का पक चुका है, अब
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मूंगफली जो पीसी हुई थी ना, अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखो मिक्स करने के बाद पूरा हलवा जैसा बन गया है। तो अब हमें इसमें डालना पड़ेगा पानी, तो ये डाल दिया है मैंने इसमें पानी, थोड़ा सा डाला लेकिन अभी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक गिलास, ये डाला था आधा गिलास पहले डाल दिया था ये छोटा वाला। तो मैंने जो है इसमें सिर्फ डेढ़ गिलास जो मैंने आपको दिखाया था ना छोटा वाला, तो वो उतना पानी डाला है। और ये इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है। और अगर आप और पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो अपने खाने के हिसाब से, चावल के साथ खाना हो तो और भी पानी हल्का सा डालना पड़ेगा। तो हम तो दो बंदे हैं तो इतना ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भी बुरा लगेगा ना इसलिए। तो अब हम इसको पकने देंगे ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट के लिए, और बस ये बन के तैयार हो जाएगी। तो फाइनली ये मूंगफली की सब्जी बन के तैयार हो गई है, और ना पहले जितना पानी डाला था ना उससे हल्का सा इसने सोख भी लिया है। तो अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी, पहले पतली थी तो अब थोड़ी गाढ़ी सी हो गई, तो इतनी बिल्कुल परफेक्ट है रोटियों के साथ खाने के लिए। और लास्ट में आप चाहो तो इस पर इस तरह से धनिया की पत्ती फेंक के मार भी सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कर दो इसे मिक्स मिक्स मिक्स, और लास्ट में इसको ढक दो, बस बन गई। अब रोटियाँ बनाओ और खाओ। सब्जी बन के तैयार हो गई है, और इतनी देर में इनका आटा भी गूंदने वाला है। आटा गूंदने का स्टाइल, आटा बहुत अच्छा गूंदते हैं। और साथ ही में देख रहे हैं ये मैच, इंडिया हार रहा है और जीत रहा है। पहले तो हार रहा था, विकेट आउट होगी तो हार ही जाएगा। तो सब्जी बन चुकी है, आटा भी गूंद चुका है, और अब मैं रोटी बनाऊंगी। इनकी शक्ल देखो, क्योंकि इनको भूख लग पड़ी है, 5:30 बजने वाले हैं। तो अब मैं जाके रोटियां बनाती हूँ। वो कल ठंडी थोड़ी कम हुई थी लेकिन आज फिर से हो गई है ना, ठंड हो गई फिर से। तो चलो अब मैं रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद हम सब्जी खाएंगे। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, और यहाँ पर डाली मैंने चटनी और मूंगफली की सब्जी और साथ में फुल्का। रिव्यू दो मेरे इस सब्जी का, अच्छा बनी है, मस्त बनी है, बहुत टेस्टी है सच्ची में, एक बार ट्राई करके देखना करना भाई। तो अब हम स्वाद लेके खा लेते हैं, खाना खा लेते जल्दी। तो हमने खाना खा लिया है, ये लो। और अब हम खा रहे हैं गुलाब जामुन। खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कितनी देर से इंतजार कर रहा था कैमरे का। डब्बे में स्टार्ट हो गया हम। और ना आज खाना बहुत टेस्टी बना था, अच्छा लगा था आपको मुन्ने? बहुत टेस्टी था, लेट खाया आज हमने, कितने बजे? 6:30 खाना खा के फ्री हुए हैं। सुबह का खाना था वो। अब 7:15 हो रहे हैं, अभी 11:15 बज चुके हैं, और हमने देखा है अभी, क्या देखा? बिग बॉस। अभी आज तो हमें भूख थी नहीं क्योंकि हमने लेट खाना खाया था, और उसके बाद भूख ही नहीं लगी। चाय और बिस्कुट खा लिया मैंने, तो इन्होंने तो खा ली चाय। और आपकी छुट्टी ऐसे ही खत्म होती है मुन्ने? इनकी छुट्टी खत्म हो गई आज, अब कल ऑफिस जाएंगे। तो फिर टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सबा खैर। गुड नाइट सबा खैर।